ये बोल लेंगे तब इनके सारे सदस्य वेल में आ जाएंगे। आखिर सरकार की बात नहीं सुनी जाएगी क्या? नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। महोदय जरा सुनिए तो, जरा हमको भी बोलने का मौका दीजिए। आप बोलते हैं तो हम सुनते हैं ना, लेकिन जब हम खड़े होते हैं जब भी बोलने के लिए तो आप हमको बोलने ही नहीं देते हैं। ये बातें बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन के भीतर बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कही और उन्होंने बतौर विपक्ष से आग्रह किया, अपील की कि उन्हें बोलने का अवसर दिया जाए। विजय चौधरी जैसे ही बोलने के लिए सदन में उठे, विपक्ष लगातार हंगामा कर रही थी और उनकी बातों को अनसुना करने की कोशिश कर रही थी। तभी विजय चौधरी ने विपक्ष से खड़े होकर ये अपील कर डाली कि महोदय जब आप बोलते हैं तो हम बहुत बढ़िया से शांति से सुनते हैं, लेकिन जब हम खड़े होते हैं बोलने के लिए तो आप हमको बोलने ही नहीं देते हैं। थोड़ी मेरी बात भी आप सुन लीजिए। देखिए सदन के भीतर विजय चौधरी के इस वीडियो क्लिप को किस तरीके से वो विपक्ष से आग्रह करते हुए नजर आ। महोदय हाउस ऑर्डर में लाइए, सासाराम बिहार शरीफ गया में दंगा जो हुआ है, दंगाइयों पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। आप सरकार आप नेता प्रतिपक्ष को आसन को कह रहा है कि आप आसन ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए। नेता प्रतिपक्ष खुद नहीं बैठ गया है तो कैसे उनके दल पर लोग जाएंगे? सरकार से मांग करते हैं एनआईए की जांच सरकार कराए। सासाराम और बिहार शरीफ गया में रामनवमी के अवसर पर शांतिपूर्वक शोभा यात्रा पर कितना हमला किया गया। महोदय 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 आप जो है संसदीय कार्य मंत्री बोलना चाहते हैं, आप लोग सुनिए संसदीय कार्य मंत्री सरकार कराए। महोदय ये कौन सी व्यवस्था है कि ये बोलेंगे दूसरे को नहीं बोलने देंगे? ये बोल लेंगे तब इनके सारे सदस्य वेल में आ जाएंगे। आखिर सरकार की बात नहीं सुनी जाएगी क्या? नहीं। इन्होंने इनको मैंने समय दिया, नेता प्रतिपक्ष को, इन्होंने बोल लिया। उसके बाद से सरकार चाहती थी कुछ जवाब देना, लेकिन ये नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, इनके सभी सदस्य वेल में चले जाते हैं। इसलिए बहुत गलत परिपाटी है, सरकार के भी बात को सुनना चाहिए इन लोगों को। महोदय ये पूरे सत्र की स्थिति रही है कि इन लोगों की कितनी रुचि है जनता के प्रश्न पर, कि आपने गौर किया होगा कि ये सदन में कितनी देर रहे हैं। यही इनका चरित्र बताता है। क्या आप लोगों को संसदीय व्यवस्था में हो कहने का ट्रेनिंग मिला है क्या? यही इसी के लिए जनता आपको जिता कर भेजी है। नहीं, इसको हटा दे। श्री माननीय सदस्य श्री पवन कुमार जायसवाल, अब तरांकित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्य